लंग सबसे ज्यादा पढ़ना है दुबिलतुल रिया खुराजे रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अरे तनवीर है, शुरू हो गया हाल है सर। सलाम मना है। आज का जो टॉपिक है लीव लंग्स लंग्स अब्सेस, दैट इज कॉल्ड लंग्स अब्सेस। तो लंग्स अब्सेस में एक लव्स लोब इन्वॉल्व हो सकता है, मल्टी लोब हो सकता है। सॉरी सर, हम लंग ये बता दिए आपको, उल्टा बता दिए क्या? हम दबीरतुल कबीर बता दिए, दबीरतुल रिया होगा ना। हाँ, हेडिंग से कंफ्यूज हो गया सर। हेडिंग से एक लोब्स या टू लोब्स या मल्टीपल लोब्स, कोई भी लोब इन्वॉल्व हो सकता है। और अब्सेस का जो डिफिनेशन सब में है वही इसमें भी है कि लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पल्स। तो ए लोकलाइज एरिया ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द लंग्स पैरेन्केमल, लंग्स पैरेन्केमा, इन विच इन्फेक्शन बाय पायोजेनिक ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस एंड द सपुरेशन सपुरेशन, दैट इज कॉल्ड लंग्स अब्सेस। यानी एक तक दुबिलतुल रिया में पीप का जमा होना, किसमें? रिया के अंदर में पीप का जमा हो जाना, और जो जमा होगा तो उस एरिया का पार्टिकुलर डैमेज हो जाएगा। जिस एरिया में होगा उस एरिया को पूरा डैमेज होगा, उस एरिया का टिश्यू नेक्रोज हो जाएगा, सर जाएगा, गल जाएगा। इसलिए कहा गया है कि एन अब्सेस इज लोकलाइज कलेक्शन ऑफ द पस, ए कलेक्शन ऑफ द पस, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टिश्यू। वो अब्सेस हुआ तो यहाँ क्या उसी किसी चीज का हो जाएगा, लंग पैरेन्केमा का, उस एरिया का टिश्यू का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, नेक्रोज हो जाएगा, और वहां पस का कैविटी जमा हो जाएगा। इसे उस दैट इज कॉल्ड दुबिलतुल रिया लंग्स अब्सेस, लंग अब्सेस। और इट इज द मेन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले दोनों इन्वॉल्व होता है, दोनों की वजह से पस हो सकता है, लेकिन कॉमन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक अल्फा बीटा हीमोलैटिकस, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक, या स्टैफिलोकोकस ऑरियस अल्बस साइट्रस। और उसके बाद बहुत से ऐसे ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, उसके कारण भी पस होता है। इट मैनिफेस्ट रेडियोग्राफिकली एज ए कैविटी विथ एन एयर फ्लूड लेवल, और जिस एरिया में होता है वो कैविटी हो जाता है और उस एरिया में फ्लूड जमा हो जाता है, और चारों तरफ उसके अतराफ में एयर स्पेस पूरा क्लियर से कैविटी नजर आ जाता है, पूरा आगे से पिक्चर में पता चल जाएगा। और दूसरा उसका है नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, नेक्रोसिस विथ मल्टीपल मैक्रो अब्सेसेस फॉर्म्स ए लार्ज कैविटी लीजन, एक्चुअली रिप्रेजेंट ए कंटिन्यू ऑफ द सेम प्रोसेस लेस देन 2 सेंटीमीटर इज डायमीटर, दैट इज कॉल्ड नेक्रोटाइजिंग निमोनिया। उसके बाद क्लासिफिकेशन को, लंग्स के क्लासिफिकेशन को दो टाइप में बांटा गया है। ए वन टाइप इज द प्राइमरी एंड अनदर टाइप इज द सेकेंडरी। प्राइमरी में अब्सेस इज प्रीवियसली हेल्दी पेशेंट और इन द पेशेंट एट रिस्क ऑफ द एस्पिरेशन, पेशेंट हेल्दी है और किसी तरह से फॉरन बॉडी इनहेल कर लिया, उसके कारण अब्सेस में इनहेल इन कर दिया, उस सेल को लंग्स पैरेन्केमल सेल को टिश्यू में डिस्टर्ब हुआ, डिस्ट्रक्शन वहां के पैरेन्केमल हुआ, जिसके कारण के बाद धीरे धीरे सेकेंडरी इन्फेक्शन पस में चेंज होगा। दूसरी बात सेकेंडरी एसोसिएटेड ब्रोंकोजेनिक न्यू प्लांट और इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट। सेकेंडरी जो होता है दूसरे के नतीजे में होता है, याद रखना, जब भी होता है सेकेंडरी दूसरे के नतीजे में होता है, हो सकता है न्यू प्लाज्मा हो या इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट है उसके बाद उसके पहले से डिजीज है उसके कारण कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन हो।
लेंस का मान लिया कि एग्जांपल कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस और या निमोनिया, उसके कारण सेकेंडरी फिट पस में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ, वहाँ सेल इंजुरी हुई, सेल नेक्रोज हुई और वह सेपरेशन पर वहाँ का सेल को सेपरेट हुआ, सेपरेशन हो गया और वहाँ पर कॉमन कुमलेट पस का हो गया। तो दो तरह से ये मे बी प्राइमरी और सेकेंडरी लंग क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, इटियोलॉजी में एस्पिरेशन ऑफ द ओरोफेरेंजियल फ्लोरा उसके कारण हो सकता है। इटियोलॉजी में एस्पिरेशन में दूसरे से प्राइमरी का दिखा रहा है और जैसे एग्जांपल सेकेंडरी में अक्सर डेंटल पेरी डेंटल एसेप्टिस, मान लिया दांत में पहले इन्फेक्शन हुआ और उसका इन्फेक्शन प्रिंटेट करके नीचे लंग्स में गया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। इसी को कहते हैं डेंटल अब्लिक पेरी डेंटल अब्सेप्सिस। अगर दांत में अब्सेस है, सेप्सिस है, उसका वहाँ का बैक्टीरिया या बैक्टेरियमिया जाकर लंग्स में जाकर इन्वॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड, या हम लोग कुछ खाते हैं उसके कारण, और यानी कुछ फूड बोलस हम लोग लेते हैं, खाना खाते हैं तो उस टाइम में पेट में आया, लेकिन पेट में इंटेस्टाइन यानी पेट में मान लिया बैक्टीरिया इन्वॉल्व हुआ और उससे इंटेस्टाइन में से पूरे ब्लड स्ट्रीम में कन्वर्ट होकर बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया में कन्वर्ट हो सकता है, जिसके कारण से लंग एब्सेस हो सकता है। दूसरा, पारा नजल साइनस इन्फेक्शन, उससे रेडिएट करके, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में हो सकता है, क्योंकि लंग का जो इन्फेक्शन होगा वह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन कहलाता है। डिप्रेस्ड कंसियस लेवल, इम्पेयर्ड लेरेंजियल क्लोजर, कफ, इंडोट्राकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी एंड इंडोट्राकियल ट्यूब डालने के कारण में इंजुरी होने के कारण हो सकता है। ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब लगाने के बाद सेकेंडरी के कारण हो सकता है। रिक्रेंट लेरेंजियल नर्व पाल्सी, इसके कारण में दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नर्व पाल्सी हो गया तो इतना जल्दी हो जाएगा, नहीं, अगर नर्व पाल्सी है तो धीरे धीरे सेकेंडरी इन्फेक्शन में बहुत लंबे देर मुद्दत के बाद हो सकता है। डिस्टर्बेंस ऑफ द स्वेलिंग यानी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिस्फेजिया, डिले गैस्ट्रिक इम्पिटी गर्ड, वोमिटिंग, गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज, वोमिटिंग, ये इसके कारण सेकेंडरी कॉज हो सकता है। और नेक्रोटाइजिंग निमोनिया उसके कारण का सेकेंडरी हो सकता है। दूसरी बात, स्टैफिलोकोकस ओरियस, कहीं भी बैक्टीरिया अगर किसी बॉडी में, मान लिया बॉडी में किसी पट्टी में अब्सेस हुआ, वहाँ के उस बैक्टीरिया रिपीट पेंटेट करके लंग्स में जा सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस मिलेरी इंटरमीडियस, दूसरी बात, उसके बाद अगला क्लेब्सिला निमोनिया, कॉमन कॉज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लेब्सिला निमोनिया कॉमन कॉज करता है लंग्स अब्सेस, लंग्स निमोनिया। उसके बाद सीडोमोनास एरोजेनोसा, दैट इज कॉल्ड एनरोब्स बैक्टीरिया या फंगल बैक्टीरिया सीडोमोनास, इसके कारण हो सकता है। इटियोलॉजी में प्री एक्साइटिंग लंग्स डिजीज, दैट इज कॉल्ड पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रोंकिएक्टेसिस, ब्रोंकी, क्योंकि वहाँ के परमानेंट डायलेटेशन होने के बाद वहाँ का सेल नेक्रोज हो जाता है और वहाँ के सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण कॉमन कैविटी में बदल सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस उसके कारण हो सकता है और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन ट्यूमर फोरन बॉडी इन्फेक्शन पल्मोनरी इन्फेक्शन इट इज द वेरी वेरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट एमरसी डिजीज इन्फेक्टेड पल्मोनरी इन्फार्क्शन, जिस तरह कार्डिक इन्फार्क्शन होता है इसी तरह बहुत इमरजेंसी इन्फेक्टेड पल्मोनरी इन्फार्क्शन होता है, यानी लंग्स पैरेंकियम के आर्टरीज में एकदम एकाएक ब्लड का फ्लो बंद होगा, वहाँ एकदम निक्रोज हो जाएगा, जिसके कारण हो जिस तरह हार्ट अटैक होता है उसी तरह इन्फेक्टेड पल्मोनरी इन्फार्क्शन में
अटैक होता है उसका लंग्स का बहुत ज्यादा, उसके बाद कॉमन, उसके कारण भी जान सकते हैं। उसमें भी इसी तरह थ्रम्बोलाइज करते हैं जिस तरह हार्ट का थ्रम्बोलाइज करते हैं। उसके बाद कोई ट्रोमा ट्रोमा हुआ, उसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन में जाकर चोट लगने के बाद कन्वर्ट पस में कर सकता है। और इम्यूनोडिफिशियंसी, कोई भी इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज उसके कारण हो सकता है। तो और दूसरी बात अगला है कि मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन। मैकेनिज्म एक्शन में कॉमनेस्ट कॉज एस्पायरेशन ऑफ द ओरोफेरेंजियल कॉन्टैक्ट, अभी उन्हें बताया प्राइमरी जो कॉज है। उसमें 75% ऑफ द अब्सेस अक्कर इन पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब और एपिकल सेगमेंट ऑफ आइदर लोअर लोब, दीज बीइंग द सेगमेंट टू द फीच एस्पायरेट मटेरियल हैज बीन शोन टू द ग्रेविटेट इन द सुपाइन सब्जेक्ट। यानी 75% जो पेशेंट इसमें पहला जो है प्राइमरी में 75% जो पेशेंट अब्सेस का सफर करता है उसमें से 75% पेशेंट जो है सेगमेंट यानी पोस्टेरियर साइड सेगमेंट में राइट लोब्स का, क्योंकि लेफ्ट लोब में स्पेस ज्यादा होता है, लॉन्ग स्पेस भी ज्यादा होता, फ्लैट भी ज्यादा होता उसमें से, लेफ्ट लेफ्ट के से स्पेस के कारण इसमें फ्लैट ज्यादा होता है और राइट लेफ्ट लोब में लॉन्ग ज्यादा होता है, जिसके कारण इसमें स्पेस ज्यादा होने के कारण, एयर स्पेस ज्यादा होने के कारण कॉमन राइट लोब में कोई भी बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस भी इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी एस्पायरेट भी हम लोग करते हैं तो उसमें ज्यादा होता है, एयर भी आता है, इसी कारण पहले कोई भी इन्फेक्शन ज्यादातर राइट लोब में इन्वॉल्व होता है। और जितना बेसल जाएंगे नीचे के लिए यानी टर्मिनल ब्रोंकुल्स नीचे जहाँ ऑक्सीजन जहाँ डिफ्यूजन वहाँ कॉमन उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और इसमें 75% केस ऐसा मिलता है। अदर मैकेनिज्म में द डेवलपमेंट ऑफ द लंग्स ऑफ सेल्स फेवर्ड बाय कंडीशनल दैट प्रिवेंट नॉर्मल क्लीयरेंस ऑफ द पल्मोनरी सिक्रीशन दैट इज कॉल्ड लंग्स ट्यूमर। दूसरे लंग्स ट्यूमर के कारण जो उस पार्ट को पूरे इन्वॉल्व हो जाता है और बार बार से आरटी ब्लड का सर्कुलेशन से में जब सर्कुलेशन होता है चोट लगता है बार बार वहां पर नेक्रोज सेल टूटता है, बार बार टूटता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा जितनी बार, और वहां कॉमन वहां रुकावट के वजह से बैक्टीरिया वायरस फंगल इन्वॉल्व होता है और वहां लंग्स अब्सेस का कॉमन चांस हो सकता है बन सकता है। दूसरी ब्रोंकी एक्टेसिस में इनहेल फॉरेन बॉडी और वैसे ही ब्रोंकी परमानेंट डायलेटेशन हो जाता है एल्वियोलाई का जिसके कारण, या पोस्ट कॉक्स ब्रोंकी एक्टेसिस कॉमन है जो ट्यूबरकुलोसिस पहले था, बार बार वहां का सेल पूरा गैंग्रीन हो सकता है, ड्राई हो सकता है, तो बार बार वहां पर कोई भी इंजुरी कॉमन, क्योंकि इम्यूनोस कम्प्रेसेंट हो जाता है, कमजोर होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाता है, डिफरेंशियल काउंट में लिम्फोसाइट कमजोर हो जाता है, एंटीफैगोटिक एक्शन कमजोर होने के कारण कॉमन इन्फेक्शन हो सकता है। के बाद ब्रोंको पल्मोनरी सीक्वेंस एंड लंग सिस्ट के वजह से सेकेंडरी वहां हो जाएगा। दूसरी बात माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉज बाय द वाइड वैरायटी ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इट्स कॉमन टू ऑब्टेन द मिक्स बैक्टीरिया। तो मिक्स बैक्टीरिया उसको कहते हैं, मान लिया जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाए उसको मिक्स। दूसरी बात ग्राम यानी एरोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, एनएरोबिक बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व साथ में हो गया तो मिक्स हो गया। तो इसी कारण मिक्स बैक्टीरिया कॉमन अक्सर भी, वैसे इससे पहले भी मैं बताया हूँ, जो भी ट्रीटमेंट हम लोग भी करते हैं मिक्स ट्रीटमेंट करते हैं इन्फेक्शन के लिए, क्योंकि कॉमन मान लिया ग्राम नेगेटिव इन्वॉल्व है लेकिन ग्राम पॉजिटिव स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉमन इंजुरी से हुआ तो न्यूट्रोफिल पहले आता वहां लड़ने के लिए हम लोग एंटीफैगोटिक्शन, और वह जब डेड होता है तो वह पस बनता है, जब पस बनता है तो स्ट्रेप्टोकोकस कॉमन बैक्टीरिया आ जाता है पस में, इसलिए मिक्स उसकी को कहते हैं मिक्स इन्फेक्शन कॉमन होता है। दूसरी बात एनएरोब्स में 69% ऑफ द कम्युनिटी एक्वायर्ड केसेस, मैंने कल भी बताया कम्युनिटी एक्वायर्ड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड, तो कम्युनिटी एक्वायर्ड में जो बाहर में हम लोग माहौल में रहते हैं उसको डेट इज कॉल्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड में, यही नहीं है कि हॉस्पिटल में एडमिट करने से नहीं होगा, पहले जो बाहर जो एडमिट पेशेंट लेकर आए डेट इज कॉल्ड कम्युनिटी एक्वायर्ड,
तो उसमें डिजीज 69% है जो कम्युनिटी एक्वायर्ड केसेस है, और एनआरएफ में और एनआरएफ 70% ऑफ हॉस्पिटल, सिर्फ 7% हॉस्पिटल एक्वायर्ड केसेस होता है जो हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 48 घंटा के बाद जो इन्फेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटल एक्वायर्ड, तो 48-72 घंटा बाद इन्वॉल्व होगा। दूसरी बात उसमें कॉमन जी मान लिया कि स्ट्रेप्टोकोकस और क्लेब्सिला निमोनिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नेगेटिव, क्लेब्सिला निमोनिया नेगेटिव है, दोनों मिक्स हो गया, उसी को कहते हैं मिक्स इन्फेक्शन। सीडोमोनास एरोजिनोमा जैसे ये हो गया, तो ये सब चीज है मिक्स, एक साथ दूसरा बैक्टीरिया इन्वॉल्व हो जाना, ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, साथ में ग्राम पॉजिटिव हो नेगेटिव हो और कभी कभी एनरोब से या फंगल भी हो जाए तो उसके साथ, इसलिए एनरोब से ऑर्गेनिज्म मोस्ट फ्रिक्वेंटली इम्प्लीकेटेड मेन ग्रुप दैट इज कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैसिलस, बैक्टीरियोस बैक्टीरियड्स बैक्टीरियड्स फ्रेंगिल्स, ग्राम पॉजिटिव को क्या मेनली लेकिन कॉमन जो होता है, याद करना कॉमन जो बैक्टीरिया जो हम लोग के इन्वॉल्व होता है, कॉमन जो है ग्राम नेगेटिव में क्लेब्सिला निमोनिया, सीडोमोनास एरोजिनोसा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इट इज द कॉमन इन्फेक्टेड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इकोलाई इज द मोस्ट कॉमन ग्राम नेगेटिव इकोलाई दैट इज कॉल्ड इस चेरिचिया कोलाई, इट इज द मोस्ट एरोबिक ऑर्गेनिक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। उसके बाद एक एसी नेटोबैक्टर प्रोटियस वेलगेरिस ल्यूजेनेला, तो ये सब है लेकिन कम होता है, प्रोटियस वेलगेरिस कुछ होती है। उसके बाद अदर कोज में ट्यूबरकुलोसिस एंड नॉन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड नॉन ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, फ्लूड फील्ड कैविटी, तो कभी कभी ट्यूबरकुलोसिस में भी बहुत कैविटेशन होता है, मैंने इससे पहले भी बताया उसमें टीबी में कैविटेशन होता है, कैविटेशन के बाद एक उसमें भी जख्म हो जाता है, अब्सेस होता है, उसमें भी टीबी में उसके बाद भी पस आ जाता है, मतलब ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है उसके बाद भी ग्राम पॉजिटिव इन्वॉल्व हो गया। अदर कोज में तो फ्लूड फील्ड कैविटी, अपर लोब ऑफ द एपिकल सेगमेंट ऑफ द लोअर लेयर, पहला कोई भी अक्सर कोई भी बैक्टीरिया यानी एरोब्स या एनएडिक बैक्टीरिया जो एरोबिक बैक्टीरिया खासकर जो सबसे पहले अपर लोब में होता है, उसका क्यों कारण है क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन जो ऊपर की ओर होता है, ऑक्सीजन हल्के होते हैं तो लंग्स में भी है ऊपर की ओर होगी, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया जो एरोबिक है वह इन्वॉल्व करता है, वो ऐसा बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहता है दैट इज कॉल एवो एरोबिक प्रेडिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो वह क्या करेगा, सबसे पहले कॉमन क्या करता है अपर लोब इन्वॉल्व है, एपेक्स या अपर लोब एपिकल दैट इज कॉल्ड अपर लोब दैट इज कॉल्ड एपिकल सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब्स, तो इसमें इन्वॉल्व होता है, याद रखना एपेक्स ऊपर वाला को कहते हैं एपेक्स, उसके बाद अपर लोब उसी के नीचे जस्ट अपर लोब, उसके मिडिल लोब और लोअर लोब, तीन इस तरह को लोब में बांटा गया मान लिया, तो राइट साइड में लेफ्ट साइड में टू लोब्स में बांटा गया लंग्स के। फंगल इन्फेक्शन में हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, उसके बाद प्लास्टोमाइसेस डर्मेटाइटिस, उसके बाद कुकी डियोडेस इमिटिस, उसके बाद एस्परजिलस, ये सब बहुत कम मिलता है, एस्परजिलस मिलता है, क्रिप्टोकोकस न्यूफोर्मास कैंडिडा, तो कॉमन सबसे कॉमन कैंडिडा और एस्परजिलस मिलता है, एस्परजिलस कैंडिडा तो पूरा एस्परजिलस पूरा जिस तरह पेनिसिलिन का ग्रुप उसी तरह इस तरह पूरा पत्ता टाइप नजर आएगा पिक्चर में। उसके बाद अदर में मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ द ऑल ऑपरचुनेटिक फंगल इन्फेक्शन आर द न्यूट्रोपेनिया, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज
एचआईवी इन्फेक्शन। दूसरी बात, जब पेशेंट, याद रखना इम्यूनो कम्प्रोमाइज वाला पेशेंट जो सबसे पहले जो होता है न्यूट्रोफिल लड़ने जाता है, इसलिए वो खेल कम हो जाता है, न्यूट्रोपेनिया में चेंज हो जाता है और लिम्फोसाइट उसमें बढ़ जाता है, तो ऐसा भी पेशेंट को में कॉमन रिस्क फैक्टर आता है इन्फेक्शन का। दूसरी बात, ऐसा पेशेंट जो कोर्टिकोस्टेरॉइड लॉन्ग टर्म से यूज कर रहा है, लॉन्ग टर्म से जो यूज कर रहा है इम्यूनो कम्प्रोमाइज सप्रेसेंट मेडिसिन यूज कर रहा है, जिसके कारण इम्यूनिटी पावर और कमजोर हो गया। पहले तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मेडिसिन देते हैं, बाद में कमजोर होता है और एचआईवी इन्फेक्टेड पेशेंट को उस सब की वो पेशेंट को रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, मेजर रिस्क फैक्टर। सिंगल लार्ज लंग्स अब्सेस, एक्टिनोमाइसेस, इसराइली डिस इन्फेक्शन, ये कॉमन जो है लंग्स में एनरोस बैक्टीरिया में फंगल इन्फेक्शन में एक्टिनोमाइसेस आता है, मिलता है। डिस इन्फेक्शन लंग्स इन्फिल्ट्रेशन विथ होनी कुंभ of the small abscess cavity that may communicate with chest wall with the bony destruction and the sinus formation। यानी जिस तरह मधुमक्खी के छत्ता है उसी तरह छोटा छोटा करके एक तरह गुच्छा निमा अब्सेस बनाता है, उसी कहते हानि हानि कंब कंगी के तरह हानि कम, यानी एक गुच्छा छोटा छोटा मधुमक्खी के जाल के गुच्छा बनाता है, इसमें एक्टिनोमाइसेट जो रहेगा सब पिक्चर से पता चलेगा ये। दूसरी बात, पैथोलॉजी मोस्ट ऑफन एज ए कम्प्लिकेशन ऑफ द एस्पिरेशन दैट इज एस्पिरेटेड न्यूमोनिया, ओरल एनारोब्स, टिपिकल पेशेंट इज द प्रीडिस्पोज्ड टू द एस्पिरेशन ड्यू टू कंप्रोमाइज कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड अल्कोहलिज्म, ड्रग एब्यूज, जनरल एनेस्थेसिया और द डिस्फेजिया, ऐसा पेशेंट को कॉमन मिलता है। दूसरी बात, पैथोलॉजी में पेरिडोडेंटल डिजीज, इससे पहले जो बताया है उसी को फासा डीलिंग में कहते हैं, स्पेशली जिंजिवाइटिस विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया इन द जिंजिवल क्रीवस हैज द हाई एथना, मतलब कि मैं ऊपर जो बताया वही को डीलिंग किया गया है कि उसके कारण भी रेट कन्वर्ट कर सकता है पैथोलॉजी में, उतना ही नहीं बताना जरूरी नहीं है, अभी लंबा है। क्लिनिकल फीचर इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल में सबसे पहले जिस एरिया इन्वॉल्व होगा चेस्ट पेन होगा, सीवियर चेस्ट पेन, जिस तरह हार्ट में हाथ पकड़ते हैं हार्ट अंजेना पेन में हार्ट पकड़ झुक जाते हैं उसी तरह इसमें कैविटी होता है, सीवियर पेन, थम्बिंग पेन होता है, दिलाते पेशेंट आएगा एकदम चिल्लाते दर्द आएगा, ले गया दल्फा हार्ट अटैक हो गया, उस तरह दर्द होता है सीवियर क्लिनिकल, इसमें चेस्ट पेन होता है, फीवर, फीवर चील विथ रैगर होगा, क्योंकि पस जहां पर होगा वहां पर फीवर चील विथ रैगर, कफ पायलट ड्रैग कफ होगा, कफ ड्रैग कफ, बाद में स्पूटम प्रोडक्शन होगा, लेकिन शुरू शुरू में जब कफ होगा ड्रैग कफ होगा, नेट क्योंकि फीवर रहता है नेट स्वेट, वेट लॉस एंड एनीमिया, क्योंकि फीवर की वजह से प्रोटीन डिफिशेंसी हो रही है उस जगह, लॉस खाना पीना नहीं करता, वेट लॉस एंड एनीमिया, कमजोर होगा, हिमिप्टेसिस, हिमिप्टेसिस सीवियर है, कभी कभी कैविटी से क्या होता है सीवियर हिमिप्टेसिस, इसलिए डिफरेंस करना बहुत दिक्कत हो जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस से है का साइन वो है या लंग्स अब्सेस है, उसके लिए पिक्चर ही से कैविटी का से मार्क से पता चलता है। उसके बाद प्लूरिसी, जिस तरह प्लूरिटिक पेन होता है सीवियर उसी तरह से प्लूरिसी पेन होगा। उसके बाद साइन में देर इज नो साइन स्पेसिफिक लंग अब्सेस, डिजिटल क्लबिंग हो सकता है, पुराना में कभी कभी क्लबिंग ऑफ फिंगर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत लंग, जब कैंसर किसी पेशेंट सफर कर रहा है कैंसर से न्यू प्लाज में उसके बाद लंग सबसे तब मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो शुरू में इसमें हो जाए कि डल साउंड आएगा क्योंकि फ्लूड वहाँ मिक्सर है, एक्सुएटर फ्लूड है, फिलअप एक कैविटी बना हुआ है, इसलिए डलनेस साउंड आएगा, स्टोनी डल नहीं आएगा, स्टोनी डल जैसे लीवर में स्टोनी डल आएगा हार्ट नहीं सकता, इसमें डलनेस साउंड आएगा। डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड इन द अब्सेस टू द
लार्ज एंड सिचुएटेड एयर, स्टेथोस्कोप से वहां की साउंड करोगे तो जो ऑक्सीजन सांस लेने का पूरा ब्रोंको ब्रीथिंग साउंड है वहां डिमिनिश ब्रीथ साउंड मिलेगा, यानी ऑक्सीजन का ज्यादा पूरा नहीं जा रहा इसलिए वहां से रुकावट एकदम हल्का साउंड मिलेगा रेस्पिरेटरी साउंड में स्टेथोस्कोप से देखने पर। उसके बाद उसका इसी को कहते हैं एम्फोरिक एंड कैवर्नस ब्रीथ साउंड उसमें मिलेगा। उसके बाद डायग्नोस्टिक में चेस्ट एक्सरे से पता चल जाएगा, सीटी चेस्ट है, सीटी स्कैन ऑफ द थोरैक्स टेस्ट करने से पता चल जाएगा, क्लियर कट पता चल जाएगा। डिफिकल्ट टू आइसोलेट एनएरोबिक बैक्टीरिया, आइसोलेट के लिए एनएरोबिक एरोबिक के लिए डिफिकल्ट है, उसके लिए वहां के स्पेशल उदाहरण के एफएनएससी करना पड़ेगा लंग्स का में जाकर पार्टिकल अल्ट्रासाउंड या सीटी के गाइडेंस से एक्सरे नहीं गाइडेंस होगा उससे अच्छा सीटी के गाइडेंस से जाकर करना पड़ेगा एफएनएससी करने का फैन नीडल एस्पिरेंसाइटिस और निकालने के बाद कल्चर करना पड़ेगा तब पता चले एरोबिक्स है एनएरोबिक्स है और कौन बैक्टीरिया नहीं तो मिक्स इन्फेक्शन का इलाज करें। दूसरी बात जनरल इफ सिम्टम्स आर क्लिनिकल सेटिंग रेट ऑफ फॉर द एनएरोबिक्स इन्फेक्शन जनरली एम्पिरिकल यानी जनरल ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में मिक्स इन्फेक्शन पहले करोगे। दूसरी बात स्पूटम फॉर ए बी करोगे लेकिन ए बी करने पर टेस्ट में ए बी में टेस्ट नहीं होगा इसलिए स्पूटम फॉर द रूटीन एग्जामिनेशन टेस्ट करते हैं। रूटीन एग्जामिनेशन में पता चल जाएगा कि ये स्ट्रेप्टोकोकस पिक्चर से स्टेफिलोकोकस एक आइडिया से लग जाएगा कि ये रूटीन एग्जामिनेशन में कि उसे पता चल जाएगा और कल्चर करने से भी पता चल जाएगा मैं बता दिया। दूसरी बात उसके बाद उसके डायग्नोस्टिक के लिए ट्रैकियल एस्पायरेशन अंदर कर सकते हैं बाहर एपेनिसिस ऊपर से भी सुपरफिशियल डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। दूसरी बात क्योंकि हर जगह ब्रोंकोस्कोपी नहीं रहता है जब ब्रोंकोस्कोपी करते हैं उस तरह ब्रोंकोस्कोपी करते वक्त अंडर डाल का भी